पलवल जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि डिटेक्टिव सेल इंचार्ज विश्व गौरव की टीम, जिसमें सिपाही अजीत व कर्मवीर शामिल थे, क्षेत्र में गश्त पर मौजूद थी। उसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति चोरीशुदा बाइक सहित अलावलपुर रेलवे ओवरब्रिज के पास मौजूद हैं। सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपियों को बाइक सहित काबू कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम चंद्रपाल निवासी गांव डकोरा व राकेश निवासी गांव बहीनहाल निवासी मोहन नगर बताया। मौके पर बरामद की गई बाइक को आरोपियों ने 22 अक्टूबर को सब्जी मंडी से चोरी किया था। आरोपियों को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ के लिए 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने अपने एक साथी के साथ मिलकर कैंप थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह से 21 बाइकों को चोरी किया हुआ है। आरोपी बाइकों को चोरी कर उनको पार्टों को अलग अलग करके बेच देते थे। आरोपियों से 2 बाइक नंबर प्लेट व बाइक के अन्य पार्ट को बरामद किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस तीसरे फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। अब देखना यह होगा कि गिरोह का फरार मुख्य आरोपी पुलिस कब तक पकड़ पाती है। पलवल से न्यूज 1 हरियाणा के लिए सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। इनमें जैसे कि आपको अवगत होगा कि शहर में बाइक चोरी घटनाएं होती हैं और उसके रोकथाम के लिए पुलिस अलग अलग तरीके ढूंढती रहती है। तो हमने कैंप क्षेत्र से जहां से बाइक चोरी हो रही थी वहां पे हमने नजर गड़ाई हुई थी, जैसे देवला पार्क, सब्जी मंडी और कैनरा बैंक। तो हम लगातार फॉलोअप कर रहे थे। तो हमने 2 व्यक्तियों को हमने जिन पर डाउट था कि जिसमें एक चंद्रपाल निवासी डकोरा और राकेश निवासी बहीन, इनको हमने अरेस्ट किया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने 21 मोटरसाइकिल कैंप पुलिस स्टेशन के एरिया से चोरी करना बयान किया और 21 का 21 पॉइंट टू पॉइंट हमें जो इन्होंने कबूल किया उसके हमने सारी FIRs हमें मिल गई कैंप थाने में दर्ज। तो इनके रिमांड लेने के बाद इनसे 2 मोटरसाइकिल और 2 मोटरसाइकिलों के इंजन बरामद हुए और काफ़ी मात्रा में उन बाइकों का टायर, पेट्रोल टैंक और मतलब ये इनका मोटर सप्रेंडी क्या था, बाइक चोरी करने के बाद उस बाइक के अलग अलग हिस्से कर देते थे, हर हिस्सा अलग अलग कर करके और उसको बेच देते थे। तो किसी का हिस्सा कोई मतलब किसी की भारी मात्रा में मतलब हिस्से जो बाइक्स के हैं बरामद हुए हैं और इंजन जो ये अलग करते थे उसको ये ग्राइंडर फेर के उसका जो चेसी नंबर है मिटा देते थे। तो भारी मात्रा में बरामद हुए और 2 बाइक पूर्ण रूप से बरामद हुई है। तो कुछ नंबर प्लेट भी बरामद हुई है जिसके तहत जिन्होंने हमें साबित होता है कि वही बाइक चोरी हुई थी। तो एक बड़ी उपलब्धि है, इससे हमें उम्मीद है कि जो शहर में जो बाइक चोरी घटनाएं हैं उस पर एक लगाम लगेगी। कहाँ बेचते थे इसके जो पार्ट्स पे तोड़ तोड़ के? पार्ट्स अभी जो इसमें मुख्य एक आरोपी है वो उसकी गिरफ्तारी बकाया है, उसके जो एक तरह से कोठड़ा टाइप जो वहाँ से सामान बरामद हुआ है तो वो उसको अवगत है कि ये कहाँ बेचते हैं। तो जब उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो हमें आगे जो माल खरीदता था उसका भी सामने आ जाएगा, तो उसको भी गिरफ्तार करेंगे। ये सभी बाइक सर कैंप थाना क्षेत्र कैंप थाने के क्षेत्र से चोरी हुई है। 21 बाइक सब्जी मंडी, देवीलाल पार्क और कैनरा बैंक। और भी लोग थे इसके गिरोह में कोई? टोटल 3 हैं, 2 तो गिरफ्तार हो चुके हैं और तीसरा जो जिसके कोठड़े से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ से ये रिकवरी हुई है तो वो फरार है बट जल्द